ओके सो फर्स्ट वीडियो एक्सरसाइज नंबर 2.3। फर्स्ट वीडियो में मैंने हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने सॉल्व किया, करेक्ट। इन तीनों क्वेश्चन में ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ही था, आया ना। बट अभी जो तीन क्वेश्चन है उसमें कोएफिशिएंट अलग अलग हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड तो सेम रहेगा। वापस बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो नहीं देखो ना, पहला वीडियो नंबर 1 देखो प्रैक्टिस सेट 2.3 का, उसके बाद आप सेकेंड वीडियो देखो, करेक्ट। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, तो कंसेप्ट समझेगा तो एक्सरसाइज समझेगा। और साथ में लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बताना पड़ता है, करेक्ट। जैसा क्वेश्चन आंसर बताना पड़ता है वैसे ही आपको बताना पड़ रहा है, तो ऐसा मत करो, फटाफट आप शेयर करो और फ्रेंड्स को भी बताओ लाइक शेयर करने के लिए। चलो प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियस वीडियो में था, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बोलो? 9 y square 12 y + 2 = 0। टेंशन क्या? वाई के साथ कोई नंबर चाहिए ही नहीं, और वाई क्या बोलता है, मैं अपने साथ 9 को रखूंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तू चाहता है तो 9 को रख, लेकिन हम चाहते हैं तेरे साथ 9 ना रहे, हाँ या ना। जब 9 को हटाना ही है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 9, बराबर ना, कि डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 करना है। जो नंबर y के स्क्वायर के साथ दिखे उसी नंबर के साथ क्या कर दो, डिवाइड, टेंशन खत्म, हाँ या ना। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ दी साइड बाय 9, डिवाइडिंग बोथ दी साइड बाय 9, सो दिस बिकम 9y स्क्वायर। नहीं समझ में आता है तो ऐसा लिखेंगे, डिवाइड बाय 9 चलेगा, -12/y/9 +2/9 = 0/9 = 0, हाँ या ना। और वी कैन राइट डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 9, दोनों में से एक हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 9 और 9 गायब, हाँ या ना, पक्का पूरा गायब हो गया, टेंशन खत्म। 3 3 जा 3 4 जा, इतना तो डबल आता है, पक्का। सो क्या लिखेंगे अब इसको, y² - 4/3y + 2/9 = 0। किसी को कुछ तकलीफ? नेक्स्ट स्टेप क्या था, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो y² - 4/3y = -2/9, समझा इतना, पक्का। अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म, हाँ या ना। फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकेंड टर्म मालूम है, क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। =1/2 × cosec(x)² अभी आप लोग जो बोले सर -4/3 लिखना है, लिखो बिंदास, 1/2 × −4/3 पूरा का होल स्क्वायर, हाँ या ना। अभी टेबल आना चाहिए, 2 का टेबल आता है सबको, पक्का, 2 1 जा 2 2 जा। चलो तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, बट -2, हाँ या ना। तो थर्ड टर्म =-2/3, -2/3 का स्क्वायर, करेक्ट। तो आंसर तो हमेशा प्लस में ही आएगा, हाँ या ना। 4/9 आ गया, 4/9 आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपलसरी दोनों साइड एडिशन कर देंगे। वापस मैं बता रहा हूँ, बाकी सब स्टेप्स, सब मेथड एग्जैक्टली सेम है। सबसे पहला काम क्या किया, वाई स्क्वायर के साथ नंबर नहीं चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो जब हम लोगों ने बनाया था उसमें भी आपको बताया था कि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा न 1 से ज़्यादा न 1 से एग्जैक्टली 1 ही चाहिए। तो अभी यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 9 को हटाना है तो सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे 9 रहे, 10 रहे, 100 रहे, 500 रहे, 5 लाख रहे, 10 लाख रहे, कुछ भी रहे, उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ है ना।
तो हमने भी 80 से डिवाइड कर दिया। yes. और ये 9 और 9 yes. लेकिन 9 1 जा 9, इसके लिए 1 × y² = y², हाँ है ना। -4/3y + 2/9 = अभी मैंने कांस्टेंट को क्या किया, साइड चेंज किया, इसको बोले हम लोग भाई तू इधर आ जा, तेरा काम यहाँ पे, हाँ है ना। उसको समझाया, बेचारे ने समझ लिया। तुम लोगों को दो दो बार समझाना पड़ता है, फिर वीडियो बनाना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, फिर भी तुमको समझता नहीं। उसको एक ही बार बोला, वो समझ में आ गया। फिर हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया, थर्ड टर्म, ½ × coefficient of y² कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, -4/3, तो ½ × -4/3। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, इसके लिए कैंसिलेशन पॉसिबल है, समझा। प्लस में रहता था तो कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं था, तो थर्ड टर्म क्या मिल गया, 2 1 जा 2, बट -2, हाँ है ना, क्योंकि माइनस साइन है, और ये अपॉन 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/9। इतना समझा, पक्का हो गया। फिर क्या करने का नेक्स्ट स्टेप, कंपल्सरी क्या करना था, एडिंग 4/9 टू बोथ दी साइड, करेक्ट। तो यहाँ पे ये साइड में क्या दिए, y² - 4/3y + 4/9, ये टर्म हम लोग ने क्या किया, ऐड किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। yes. आप लोग भाजी लेने के लिए जाते हो, तो इधर यदि वेट डालते हैं तो इधर भी सामान डालते हैं, इधर वेट निकालते हैं तो इधर से भी सामान निकालते हैं, तो बैलेंस इक्वल, मतलब इधर ऐड किया तो बराबर ना। पांडे यदि बिजनेस करेगा तो इधर क्या करोगे, ऐड करोगे, इधर निकालोगे, इधर भी ना, कस्टमर नाराज़ नहीं होना चाहिए, बराबर। तो वेट इंक्रीज, तो सामान भी इंक्रीज करना पड़ेगा, वरना बोलेगा वेट 4 किलो, सामान 2 किलो, चलेगा नहीं ना। हाँ, कस्टमर छोड़ के जाएंगे दुकान से, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बराबर ना। ओके, ऐसा मत करना। तो जब कभी भी हम लोगों को बैलेंस करना रहेगा तो हम लोग वेइंग पैन देखते हैं, वजन काटा जिसको बोलते हैं, तो जहाँ पे जितना ऐड किया उतना ऐड यहाँ पे भी करेंगे, तो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इक्वल पे रहते हैं, करेक्ट। तो सेम, जितना मैंने यहाँ पे ऐड किया उतना मैं कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इस साइड भी ऐड कर रहा हूँ। तो ये साइड ऑलरेडी क्या था, -2/9 ऑलरेडी था, +4/9 मैं ऐड कर रहा हूँ, समझ में आ गया। yes. अब मैंने क्या बोला था इसको, ये पूरा टर्म आँखें बंद करके क्या कर लो, y² के बदले y - ये 4/9 = 2/3 का होल स्क्वायर, कैसा लगा, करेक्ट। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो दिस बिकम -2 + 4/9, सो y - 2/3 = 2/9, करेक्ट। अभी मैंने क्या बोला था, इसको भी मुझे क्या करना है, स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करना है, सो वी कैन राइट y - 2/3 = √2/3 समझा, इतना पक्का, कुछ डिफिकल्टी नहीं। फिर क्या करना था अपने को, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, आया ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, y - 2/3 = +√2/3, ये लाइन समझा। yes. क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पे भी हटाया, यहाँ पे भी हटाया, बट जब यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाओगे तो प्लस माइनस लेना है, क्योंकि आप प्लस का भी स्क्वायर करो तो स्क्वायर आएगा, माइनस का भी स्क्वायर करो तो स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है आपका, साइड चेंज, साइन चेंज, तो दिस बिकम y = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2/3, और ये क्या था आपका, +2/3, हाँ है ना, ये समझा। क्या करेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो, देयरफॉर y = √2/3 + 2/3 और y = -√2
root 2 upon 3 plus 2 upon 3. Therefore, y equal to root 2 plus 2 या 2 plus root 2, आपका मर्जी, आपको क्या लिखना है, ठीक है, चलेगा. समझ में आया? अपॉन 3 और y equal to minus root 2 plus 2 upon 3. यहाँ तक दिख रहा है वीडियो में? Yes. पक्का? ओके. बाद में हम लोगों को क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना. therefore y equal to this and this. समझ में आया? Yes. पक्का? Yes. फाइनल आंसर लिखना. हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाता है. ये लिखने के लिए आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? हाफ मार्क्स. ठीक है, तो फाइनल आंसर कोई भी क्वेश्चन रहे फाइनल आंसर आपको कंपलसरी लिखना है. कैसा लगा? सिंपल टेक्निक है, सेम मेथड है जो हम लोग ने. वापस मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, पहला आप लोग वीडियो नंबर 1 देखो, प्रैक्टिस सेट 2.3 का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. देखो, समझो, फिर इस पे आओ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करो. समझ में आ गया? अब जब क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 5 करो. हाँ, है ना? तो चलो करते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 आपका? 2y square plus 9y plus 10 0. करेक्ट. y स्क्वायर अकेला रखना था. कितना आ गया? 2. क्या करना है? Divide. कितना से? 2. आता है तुम लोगों को? इतना समझदार बच्चे. तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, या डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2. सो दिस बिकम 2y स्क्वायर प्लस अपॉन 2 9y अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज 0. करेक्ट. ये 1 जा और ये 1 जा कैंसिल. ये तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा. कितना? पक्का? सो दिस बिकम y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2y प्लस 5 इक्वल टू 0. क्या स्टेप करना था? कांस्टेंट को साइड रखना था. लिख देते हैं, y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2y इक्वल टू माइनस 5. खुश? अब क्या करना था हम लोगों को? थर्ड टर्म. हाँ, है ना? नेक्स्ट क्या निकालना है? थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y पूरा का होल स्क्वायर. हाँ, है ना? यस और नो? नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब तक देखो जब तक समझ में नहीं. और तब भी नहीं समझा तो फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया, कांटेक्ट करो, कॉल करो. ठीक है, टेंशन लेने का नहीं. मैथ्स सीखना है तो अभिराम सर से सीखो. बराबर? मैथ्स मतलब अभिराम सर, अभिराम सर मतलब मैथ्स. एक ही ऑप्शन आपके पास है. तो बेहतर और बेस्ट मेथड हम लोग सिखा रहे हैं. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हाफ तो हाफ इंटू की जगह पे इंटू. कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना दिया है? 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. कैंसल आउट होगा क्या? कैंसल आउट होगा? नहीं होगा. तो कितना हो जाएगा आपका? 9 अपॉन 4 का स्क्वायर. हाँ, है ना? 9 का स्क्वायर कितना? 81. 4 का स्क्वायर? 63. सिंपल. अब ये मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. करेक्ट. आलिश, कुछ डिफिकल्टी? नो डिफिकल्टी. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना. अभी 81 अपॉन 16 आ गया. क्या करना था? नेक्स्ट स्टेप कंपलसरी, दोनों साइड ऐड कंपलसरी. अपने को ज्यादा टेंशन लेना नहीं है. एडिशन करना मतलब एडिशन करना है. तो एडिंग 81 अपॉन 16 टू बोथ दिस साइड. करेक्ट. क्या हो जाएगा बोलो जल्दी फटाफट? y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2y प्लस 81 अपॉन 16 इक्वल टू, वहां पे क्या हो जाएगा?
माइनस 5 प्लस 81 अपॉन 16। इसको हम लोगों को आंखें बंद करके क्या करना है, लिखना है y स्क्वायर के बदले y, प्लस है तो प्लस, ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 16 5 जा माइनस 80 हाई है ना, प्लस 81 अपॉन 16। टेबल आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, y प्लस 9 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 16। सो y प्लस 9 अपॉन 4 टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू, वी कैन राइट 1 का स्क्वायर रूट 1 हाई है ना, 16 का 4 का होल स्क्वायर। ये लाइन समझा, सिंपल 1 का रूट, 1 का रूट लिखो या मत लिखो क्या फर्क पड़ता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर 1, मस्त मौला आदमी बरोबर ना, कोई टेंशन नहीं इसको। 1 ऐसा आदमी है ना, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 1 रेस टू 10 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का क्यूब रूट 1, सब 1 ही रहता है ना। तो यहाँ पर हम लोग कभी भी 1 का स्क्वायर रूट इज नॉट स्क्वायर रूट नहीं लिखना, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है 1 ही लिखना है। समझ में आ गया, सिंपल पक्का समझा। अभी क्या करेंगे, टेकिंग बाय टेकिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका बोलो, y प्लस 9 अपॉन 4 इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन, समझा ये सिंपल टेक्निक है, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 4 और ये साइड आएगा तो माइनस 9 अपॉन 4, समझा पक्का। अब यहाँ पे पांडे जी समझ में आ रहे हैं, इक्वल टू ये कितना हो गया बोलो, एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो 1 अपॉन 4 माइनस 9 अपॉन 4 और y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 9 अपॉन 4, समझा पक्का। मिश्रा जी y इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 4 और y इक्वल टू माइनस 1 माइनस 9 अपॉन 4, करेक्ट। कितना हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4 और y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 4, 1 जा 4, 2 जा, करेक्ट। तो y इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 2 जा 2, 5 जा, तो माइनस 5 अपॉन 2। तो लास्ट में आंसर लिखना कंपल्सरी, हाफ मार्क्स इसके लिए। देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मेथड, सिंपल आंसर, लेकिन कैसे है? सब कुछ आपको सिंपल लगेगा, ये तब सिंपल लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं सिंपल सिस्टमेटिक वे से लिखो ना, कौन सा स्टेप आपको लग रहा है कि सर ये स्टेप बहुत हार्ड है, ये तो अपने को समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से जा रहा है, मुझे तो कभी सर के ऊपर से जाते हुए कुछ दिखा नहीं, तुम लोगों को दिखता है कभी नहीं। तो फिर क्यों बोलते हो सर सर के ऊपर से जा रहा है, तुम्हारा सर कौन, मैं मेरे ऊपर से कुछ जाते हुए दिखा आज तक बराबर ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, अभी बचा क्या क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी फिनिश करते हैं और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, करेक्ट। वापस बोल रहा हूँ कि जो बच्चों को नहीं समझा कुछ भी डिफिकल्टी है, डिस्क्रिप्शन में 2.3 का वीडियो नंबर 1 जो हम लोग ने बनाया उसका लिंक है, क्लासेस का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मैसेज कर दो, कुछ भी डिफिकल्टी हम आपको हेल्प करेंगे, टेंशन मत लो। आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे, ठीक है। आपके पढ़ाई में कुछ भी चैलेंजेस हैं अभिराम क्लासेस को कॉल करो, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि हेल्प करना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दें बोलो, 5x² इक्वल टू 4x
फोर एक्स प्लस सेवन। अब ये फोर इतना महान आत्मा है कि राइट हैंड साइड गए बराबर, उसको हम लोग कहाँ पे लेके आएंगे? कुछ तकलीफ नहीं तो लेके आ जाओ। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू, अरे सेवन उसी साइड में है, हाँ है ना, सेवन का साइड चेंज किया क्या? तो सेवन उस साइड में है तो उसी साइड में है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? क्या करेंगे? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय फाइव। अंकुश पांडे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी है? नहीं सर, सिंपल लग रहा है ना। तो ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? बोर्ड पे। और हमारा ध्यान कहाँ पर था मालूम है? जब मैं टीचर में क्लासरूम में सिखाते रहेंगे तो कहीं और पे रहेगा, जब क्रिकेट खेलेंगे तब हमारा ध्यान कहाँ पर रहता है? अरे होमवर्क्स नहीं कम्प्लीट हुआ, जब होमवर्क्स कम्प्लीट करने को बैठेंगे तो क्रिकेट में अच्छा नहीं खेला बराबर। और दिमाग बोलते हैं कि वन वर्क एट अ वन टाइम, दिमाग को सिंपल सा इंस्ट्रक्शन समझते हैं, एक टाइम पे एक काम। हम लोग क्या करते हैं? एक टाइम पे मल्टीपल काम, इसके लिए ना क्रिकेट खेल पाते हैं ना होमवर्क्स कंप्लीट कर पाते हैं बराबर। बोलते हैं ना धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के, उसी कंडीशन में हम लोग आ जाते हैं। तो अपने को यदि बेहतर स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा रिजल्ट लेके आना है, एक अच्छा परसेंटेज लेके आना है, तो ध्यान दो एक टाइम पे। फोकस कहाँ पे? पढ़ाई के टाइम पे फोकस, कहाँ? खेलने के टाइम पे, समझा? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बराबर ना, तो ध्यान कहाँ पे? एकदम कम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे ध्यान होना चाहिए, हाँ है ना, वरना कितना उसको बुरा लगेगा, हाँ है ना। तो डिवाइडिंग इस टर्म बाय फाइव, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? फाइव एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय फाइव माइनस फोर एक्स डिवाइड बाय फाइव इक्वल टू सेवन डिवाइड बाय फाइव, हाँ है ना। ये फाइव और ये फाइव संपला, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन फाइव एक्स इक्वल टू सेवन अपॉन, क्या करना था? नेक्स्ट थर्ड टर्म, हाँ है ना, थर्ड टर्म क्या है? हाफ इंटू क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूरा का पूरा होल स्क्वायर, हाँ है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत महान आत्मा रहते हैं, वो सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखते हैं, हाँ है ना, तो एक्स का पूरा का होल स्क्वायर है, ठीक है। दैट इज वन अपॉन टू, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? माइनस फोर अपॉन फाइव, ठीक है, का होल स्क्वायर। दैट इज टू वन जा टू टू जा, हाँ है ना, तो माइनस टू अपॉन फाइव का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा? फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव, समझा? माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है? प्लस फोर। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। अब ये जब हम लोग इलेवेंथ में जाएंगे तो एक चैप्टर है जहाँ पे हैं स्क्वायर ऑफ नंबर कैन बी नेगेटिव, तो उसके लिए हम लोगों को पहले टेंथ पास होना पड़ेगा और इलेवेंथ में जाना पड़ेगा, हाँ है ना। तो पहले हमारा फोकस कहाँ पे? टेंथ पे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? एक टाइम पे एक काम, तो अभी किसके ऊपर काम? टेंथ, टेंथ में अच्छा परसेंटेज चाहिए। तो थर्ड टर्म मिल गया कितना? फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव, तो क्या करेंगे? एडिंग एडिंग फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव टू दी बोथ साइड, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या था? एक्स स्क्वायर यही था, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन फाइव एक्स प्लस फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव इक्वल टू सेवन अपॉन फाइव, ऑलरेडी था, क्या ऐड करेंगे? फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव बराबर। ये इसको हम लोग ने यहाँ पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड कर दिया, सिंपल। अभी हम लोगों को इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के बदले माइनस के बदले माइनस, है ना, और इसके बदले टू अपॉन फाइव का होल स्क्वायर, सिंपल। अब ये कितना हो जाएगा बोलो? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, तो कर दो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, सेवन अपॉन फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव हो गया ट्वेंटी फाइव प्लस फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव,
कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक्स माइनस टू अपॉन फाइव स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 जा 35 अपॉन फाइव प्लस 4 अपॉन 25। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया, आलिया आराम से पहले समझो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया तो क्या करेंगे, x माइनस टू अपॉन फाइव टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 35 प्लस 4 अपॉन 25, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 39 अपॉन 25। अभी 39 का स्क्वायर रूट निकलते हैं क्या, नहीं। पक्का तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 39 करेक्ट अपॉन 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो रूट 39 अपॉन 5 निकलता रहता था तो हम लोग लिख देते थे, सिंपल कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, बट डिपेंड करते हैं कि तुम लोग कितना देर प्रैक्टिस करते हो, हाँ या ना। सिर्फ सिंपल बोलने से होता नहीं, बोलने से होता था तो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन मैं ही रहता था, रोज दिन भर बोलता रहता था सबसे पैसा वाला मैं, बराबर ना। तो बोलने से ऐसा होता नहीं, उसके लिए करना पड़ता है तो प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे, करेक्ट। तो अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, x माइनस टू अपॉन फाइव इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 39 अपॉन फाइव, करेक्ट। अभी इसको हम लोग इस साइड चेंज करेंगे तो माइनस के बदले क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस बिकम x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 39 अपॉन फाइव प्लस 2 अपॉन 5, तो x इक्वल टू कितना होगा, क्या बोल लो, स्क्वायर रूट निकाला 10 आएगा, अरे स्क्वायर रूट निकाला तो x के जगह पे x, माइनस के जगह पे माइनस, 2 अपॉन 5 के जगह पे 2 अपॉन 5, इधर रूट हट गया इधर भी रूट हट गया, यहाँ पे कहाँ से 5 टू जा 10 तुमको दिख रहा है, ऐसा मल्टीप्लीकेशन मैथ्स में होता नहीं, आया ना। ओके सो एक्स इक्वल टू यहाँ पे ध्यान दो, एक्स इक्वल टू प्लस, तो प्लस की साइन देना नहीं है, 39 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 और एक्स इक्वल टू माइनस 39 प्लस 2 अपॉन 5, तो एक्स इक्वल टू 39 प्लस 2 अपॉन 5, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे और न्यूमरेटर पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और x इक्वल टू माइनस रूट 39 प्लस 2 अपॉन 5 और लास्ट में फाइनल आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाफ मार्क्स फाइनल आंसर को रहता है, करेक्ट। तो वापस मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड को भी भेजो और कुछ भी डिफिकल्टी रहे डिस्क्रिप्शन में आपका फ़ोन नंबर हमारा दिया हुआ है, कनेक्ट हो जाओ। Bye-bye.